व्हाट्स अप एवरी वन, वेलकम टू नोट्स। आज के इस वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन में हम लोग गार्ड्स को कवर करेंगे नेस्ट जेएस के अंदर। अब मेरे नज़दीक ये नेस्ट जेएस के अंदर सबसे सिंपल टॉपिक है, क्योंकि गार्ड्स का कॉन्सेप्ट बेसिकली रियल वर्ल्ड से बिल्कुल मैच करता है। जिस तरह हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, जो हमारे पास कोई आइडेंटिफिकेशन हमारी रिकगनाइज कर रहे होते हैं और हमारी आइडेंटिफिकेशन की बेस पर डिसाइड करते हैं कि क्या ये बंदा इस रूम में या इस कंपनी में जा सकता है कि नहीं जा सकता। ठीक है, अगर उसके पास आई डी कार्ड होगा तो उसे जाने देगा, अगर उसके पास आई डी कार्ड नहीं होगा तो वो सिक्योरिटी गार्ड उसे वहीं पर रोक देगा। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट बिल्कुल गार्ड्स का नेस्ट जेएस में। अगर कोई भी क्लाइंट साइड से हमारे पास एचटीटीपी रिक्वेस्ट आती है, ठीक है, तो गार्ड बेसिकली किसी सर्टेन क्राइटेरिया के ऊपर डिसाइड करता है कि क्या इस रिक्वेस्ट को आगे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और वो क्राइटेरिया बेसिकली हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, उसमें कई हमारे पास केस सिनेरियोज आ सकते हैं कि लेट सपोज कर उसके पास कोई यूनिक की होनी चाहिए तभी हम उसको आगे जाने देंगे, या उसके पास यूज़र नेम पासवर्ड होना चाहिए और वो पासवर्ड हमारे यूज़र नेम पासवर्ड जो मैंने डेटाबेस में या हार्ड कोड किया हुआ है उससे मैच करना चाहिए तभी हम उसको आगे जाने देंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली हमें काम देता है जब हम लोग ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के सिनेरियोस को कवर करेंगे। ठीक है, तो नीचे सिंपल वर्ड्स में लिखा है उन्होंने कि गार्ड्स ऑफ सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो डिसाइड करते हैं कि क्या ये रिक्वेस्ट हैंडल होगी या हैंडल नहीं होगी। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन सर्टेन कंडीशंस और कंडीशंस लाइक परमिशन, रोल्स, जॉइन एटसेट्रा, बहुत सी डिफरेंट यहाँ पे कैसेरियोज हम लोग कवर कर सकते हैं। ठीक है, और गार्ड्स को इम्प्लीमेंटेशन, अगर आप थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन को नीचे जाएंगे तो ये उन्होंने इम्प्लीमेंट करने का तरीका भी बताया हुआ है, और तरीके पर ज़्यादा गौर करने की जरूरत नहीं। वो बेसिकली उन्होंने डेफिनेशन भी मेंशन किया हुआ है कि अगर किसी भी क्लास को आप एट द रेट इंजिटेबल डेकोरेटर लगा दें और इम्प्लीमेंट कर दें केन एक्टिवेट इंटरफेस से, तो ये बेसिकली बिल्कुल एक गार्ड बन जाएगा। ठीक है, अब ये कुछ मिलता जुलता एंगुलर का ही कॉन्सेप्ट है, उसी को उन लोगों ने बेसिकली नेस्ट में मर्ज किया हुआ। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपनी जो है ना वेबस्टॉर्म की तरफ और उसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ठीक है, तो मैं अपना वेबस्टॉर्म खोल लेता हूँ और यहाँ पर अगेन मेरे पास बिल्कुल एक नई फ्रेश एप्लीकेशन खुली हुई है नेस्ट की, नेस्ट गार्ड्स के नाम से मैंने उसको बना लिया है। ठीक है, वही सेम स्नैरियो है, एक बुक का मॉड्यूल है। ठीक है, मेरे पास पहले रूट का, उसके अंदर फिर बुक का मॉड्यूल, और बुक के मॉड्यूल के अंदर मेरे पास सिर्फ एक बुक का कंट्रोलर है और जिसके अंदर मैंने सिर्फ दो राउट्स बना के रखे हैं। ठीक है, एक गेट स्लैश फाइंड ऑल का है, ठीक है, एक बुक स्लैश फाइंड ऑल का और एक है बुक स्लैश ऐड का। ठीक है, फाइंड ऑल का सिंपल एक हार्ड कोडेड स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है कि वो सारी बुक्स रिटर्न कर देगा, और ऐड का बेसिकली कह रहा है कि दिस एपीआई विल ऐड बुक। ठीक है, दोनों फिलहाल हार्ड कोडेड डिस्टिंग्स रिटर्न कर रहे हैं, सिंपल एज दैट। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारा मेन काम तो यहाँ पर है नहीं, हमने बेसिकली सिर्फ गार्ड्स को देखना है। ठीक है, तो गार्ड्स का सिंपल तरीका इंप्लीमेंट करने का क्या है, हम सिंपल आ जाएंगे उस जिस मॉडल में हम गार्ड बनाना चाह रहे हैं, जिस मॉडल के लिए बनाना चाह रहे हैं उसमें आके एक नई फाइल क्लिक कर ले, जो हमारा गार्ड होगा तो हम उसको नाम दे देंगे बुक डॉट गार्ड। ठीक है, डॉट टी एस कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास गार्ड बन जाएगा। ठीक है, और हमें पता है गार्ड बनाने के लिए सिंपल क्या करना पड़ेगा, दो काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले हम एक क्लास बना लेते हैं, ठीक है, इसका हम नाम दे देते हैं बुक गार्ड। ठीक है, और ये इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है, केन एक्टिवेट इंटरफेस को, सिंपल एज दैट। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर इसको हमने एट द रेट इंजेक्टेबल डेकोरेटर से भी इसको वो करना है, एनोटेट करना है। ठीक है, ये एट द रेट इंजेक्टेबल आ गया। ठीक है, दोनों ये कैन एक्टिवेट और इंजेक्टेबल, देखिए दोनों कहाँ से इंपोर्ट हो रहे हैं, नेस्ट जेएस कॉमन से इंपोर्ट हो रहे हैं। ठीक है, ज़्यादातर चीज़ें हमारे पास जो है ना वो नेस्ट जेएस कॉमन से ही आ रही होती हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको एरर थ्रो कर रहा है, क्योंकि कह रहा है कि आपको आपने इंप्लीमेंट तो कर लिया कैन एक्टिवेट का इंटरफेस, तो आपको बेसिकली इसका एक मेथड इंप्लीमेंट करना होगा। अगर आप कंट्रोल दबा के यहाँ पे क्लिक भी करते हैं तो आप देख सकते हैं कि कैन एक्टिवेट इंटरफेस के अंदर आपके पास ये एक मेथड है जो आपने इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, तो मैं सिंपल क्या कर लेता हूँ, इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी करके मैं यहाँ पर लाकर दोबारा इसमें पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और पेस्ट करते साथ ही थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कैन एक्टिवेट का एक मेथड है। ठीक है, और ये आपके पास क्या रिटर्न करेगा, या तो बूलियन रिटर्न करेगा, या उसका प्रॉमिस ऑफ बूलियन रिटर्न करेगा। ठीक है, या एक ऑब्जर्वेबल रिटर्न करेगा। ठीक है, फिलहाल हमारे केस में हम लोग सिर्फ बूलियन को टैकल आउट करेंगे, बाकी स्नैरियोज को छोड़ देंगे, लेकिन अगर आप उसको टैकल आउट करना चाह रहे हैं बाकी स्नैरियोज को, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर इसमें कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमें डेटाबेस हिट करके रूल्स वगैरह गेट करने पड़ते हैं, तो इसलिए हम वो एसिंक्रोनस नेचर जो है ना बेसिकली जावास्क्रिप्ट की, उसको भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए हम सिंपल बूलियन से काम करेंगे, तो मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर कनेक्टिविटी का इंटरफेस हम खोल लेते हैं। अब क्योंकि हमसे ये बूलियन एक्सपेक्ट कर रहा है, तो फिलहाल के लिए हम उसको सिंपल कह देते हैं कि रिटर्न ट्रू। ठीक है, सिंपल एज दैट। अब ये बुक गार्ड बेसिकली कर कुछ नहीं रहा है, ठीक है, हर रिक्वेस्ट पे ये ट्रू पास करेगा। ठीक है, तो हमें इसमें कोई ऐसा कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, लेकिन फिलहाल के लिए सिर्फ आपको मैं एक स्नैरियो कैटर आउट करवाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने ये इंप्लीमेंटेशन की है। ठीक है, तो हम आ जाते हैं, अब ये बुक गार्ड तो हमने बना लिया। ठीक है, बुक गार्ड कर कुछ नहीं रहा, वो समझ लो कि अंधा सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है जो आने वाले हर बंदे को बोल रहा है, ठीक है यार आप जाओ, आप जाओ, आपके पास आई डी कार्ड है। ठीक है, वो इसलिए बोल रहे क्योंकि वो अंधा, उसको नज़र नहीं आ रहा अभी फिलहाल, सिर्फ इसके लिए इस तरीके से सीम कर लो। ठीक है, सिंपल एज दैट। अब चलते हैं हम इसको, गार्ड को हमने बना तो
लिया है, लेकिन गार्ड को अब क्या करना है, हमने बेसिकली किस कंट्रोल पे लगाना है या किस मेथड पे लगाना है वो हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो अब सिंपल हम चलते अपने कंट्रोल पे, और लेट सपोज करें कि मैं इस कंट्रोल के इस मेथड पे वो गार्ड लगाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए हमारे पास एनोटेशन NestJS ने प्रोवाइड की हुई है, ठीक है, यूज़ गार्ड की। यूज़ गार्ड अगेन वही NestJS कॉमन से इम्पोर्ट होगा, ठीक है, और यहाँ पर हम न्यू कर देंगे हमारा जो कौन सा गार्ड था, बुक गार्ड जो भी हम लोगों ने बनाया, ठीक है, ये बुक गार्ड यहाँ पे आ गया, ठीक है, सिंपल एज दैट, ठीक है। अगर एस एट द रेट यूज गार्ड्स के नोटेशन पे कंट्रोल दबा के क्लिक करके इसके डिक्लेरेशन में जाएंगे ना, तो यहाँ पे आपको बता देगा कि डेकोरेटर दैट बाइंड्स गार्ड टू द स्कोप ऑफ कंट्रोलर और मेथड, ठीक है, पूरे कंट्रोल पर भी लगा सकते हैं आप या कंट्रोल के किसी स्पेसिफिक मेथड पर भी लगा सकते हैं, ठीक है। पूरे कंट्रोल पर लगाएंगे तो हर कंट्रोल के सारे मेथड्स पर वो लग जाएगा, अगर किसी स्पेसिफिक मेथड पर लगाएंगे तो सिर्फ उस मेथड पर काम करेगा, ठीक है, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो दोबारा आते हैं अपने कंट्रोल के अंदर, ठीक है, यहाँ पर अब क्या है, हमने गार्ड लगा दिया, ठीक है, इसके पे को टेस्टिंग करने के लिए अब एक काम करते हैं, इसको पोस्टमैन के थ्रू टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा गार्ड जाने दे रहा है कि नहीं जाने दे रहा। फिलहाल तो जाहिर सी बात है जाने दे रहा क्योंकि वो अंधा है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपने पोस्टमैन की तरफ, सिंपल एज दैट, पोस्टमैन खोल लेते हैं और एक न्यू HTTP रिक्वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास खुल गया और हम इसको कर देंगे HTTP/localhost, पोर्ट है हमारे पास 3000 और स्लैश बुक और स्लैश मेरे पास था मैं फाइंड ऑल है ना, फाइंड ऑल इसे कॉपी कर लेता हूँ मैं, फाइंड ऑल पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो फाइंड ऑल और गेट की रिक्वेस्ट ही होगी, ठीक है, अब इसको हेड करते हैं, सेंड करते हैं, देखते हैं वहाँ क्या रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। दिस API विल रिटर्न ऑल बुक्स, इसका मतलब सब चीज़ें सही तरीके से काम कर रही हैं मेरे पास, ठीक है, और रिटर्न अब क्या कर रहा है, बेसिकली ये रिक्वेस्ट जो है ना, अगर अब मैं आपको यहाँ पर आऊँ तो ये रिक्वेस्ट गार्ड से गुजरती भी जा रही है, लेकिन फ़र्क क्या है कि बेसिकली हमने टू रिटर्न करवाया है, इसलिए वो जो है ना कुछ कर नहीं रहा क्योंकि वो गार्ड अंधा है बेसिकली, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पर लॉक करवा कर चेक करवाऊँ, ठीक है, मैं कह रहा हूँ दिस इज़ द बुक गार्ड, ठीक है जी, अच्छा गार्ड की स्पेलिंग गलत हो गई है यार, तो कर देते हम सही, ठीक है जी, सेव करवा देंगे। और सेव करवाते साथ ही अगर मैं दोबारा अपना जो है ना वो टर्मिनल खोलता हूँ, ठीक है, तो आप देख सकेंगे कि एप्लीकेशन रिस्टार्ट होगी, कोई एरर नहीं है। और दोबारा जब मैं इसको हिट करवाता हूँ, ठीक है, दोबारा रिक्वेस्ट हिट हुई, रिस्पॉन्स भी सही आ गया, और जब आप दोबारा यहाँ आएँ तो आप देख सकते हैं कि लॉक प्रिंट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वो रिक्वेस्ट गार्ड से होती हुई जा रही है लेकिन गार्ड अंधा है इसलिए वो जाने दे रहा है, ठीक है। अगर मैं क्या कर दूँ, लेट सपोज करें इसको फॉल्स कर दूँ, ठीक है, फॉल्स का मतलब क्या है कि कोई भी बड़ी रिक्वेस्ट में कोई भी बंदा उसको तुमने छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। अब हमने सिक्योरिटी गार्ड को क्या बोल दिया, भाई जो भी बंदा है आपने अंदर नहीं आने देना, उसको बाहर रखना है, ठीक है। अब वो क्या करेगा, चाहे वो बंदा CEO कोई भी हो, किसी भी किस्म के डेजिग्नेशन का बंदा हो, हम उसे अंदर नहीं आने देंगे, तो फॉल्स कर देंगे। अब कोई भी रिक्वेस्ट आप क्या करेंगे जो इस गार्ड के से होती हुई गुजरेगी ना, वो उसको अलाउ ही नहीं करेगा, ठीक है। तो उसको मैं सेव कर देता हूँ, सेव करके साथ ही हमारे पास क्या होगा, एप्लीकेशन दोबारा रीस्टार्ट हो जाएगी, और जैसे रीस्टार्ट होती है हम चेक कर लेते हैं क्या ऐसा है कि नहीं, ठीक है। तो हम एप्लीकेशन रीस्टार्ट होगी, अब दोबारा रिक्वेस्ट हिट करते हैं, सेंड करेंगे, ठीक है। अब देखें हमारे पास स्टेटस कोड क्या है, 403 फॉरबिडन रिसोर्स। अब हम क्या करें, कुछ भी कर लेंगे ना, हम किसी भी तरीके से कुछ भी कर लें, ये हमें आगे नहीं जाने देगा, क्योंकि हमने क्या कर दिया, हमने गार्ड को बोला यार फॉल्स हो जाओ, ठीक है, फॉल्स हो जाओ और आगे किसी भी राउट को अपने जाने नहीं देना, ठीक है। तो ये है एक सिनेरियो, ठीक है। अब रियल वर्ल्ड में ऐसा होगा नहीं, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे हम कोई ना कोई लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे जिसकी बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि किस बंदे ने आगे जाना है और किस बंदे ने आगे नहीं जाना, ठीक है। तो ये सिंपल इंट्रोडक्शन था गार्ड का, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, कुछ एक सिनेरियो ले लेते हैं, ठीक है। अब सिनेरियो लेट सपोज के लिए मैं एक सिनेरियो ले लेता हूँ कि मैं यहाँ पर एक की बना लेता हूँ, ठीक है, पब्लिक की, और स्ट्रिंग कर लेते हैं, और इसको लेट सपोज करें कि मैं नाम देता हूँ कि ये मेरे पास कोई भी एक डिफरेंट सी, मतलब डिफरेंट नंबर्स को मिला के मैं रैंडम सी की बना लेता हूँ। और मैंने क्राइटेरिया क्या सेट किया हुआ है कि जिस बंदे के पास ये की होगी उसको मैं जाने दूंगा, जिसके पास ये की नहीं होगी उसे मैं जाने नहीं दूंगा आगे, ठीक है, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो अब आप गौर करें तो स्कैन एक्टिवेट मेथड के अंदर मुझे एक कॉन्टेक्स्ट मिल रहा है, और कॉन्टेक्स्ट क्या, बेसिकली एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है, जो कहाँ से इम्पोर्ट हो रहा है, अगेन NestJS के कॉमन से वो इंटरफेस है जो इम्पोर्ट हो रहा है, ठीक है। अगर आप इसको कंट्रोल दबा के क्लिक करके इसे डिक्लेरेशन में जाएंगे ना, तो आपको नजर आएगा कि अगेन ये कहाँ से एक्सटेंड हो रहा है, आर्ग्यूमेंट होस्ट से, ठीक है। अब आपको याद होगा कि हमने जब हम लोगों ने एक्सेप्शन के साथ काम किया था, तो अगेन हमने एक्सेप्शन में आर्ग्यूमेंट्स होस्ट इस्तेमाल किए थे, जिसके अंदर क्या है, बेसिकली ये बेसिकली जो क्लास है आर्ग्यूमेंट होस्ट, ये बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन लेयर है जिसके अंडर सारी एब्स्ट्रैक्शन जो है वो नेस्ट ने प्रोवाइड की है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट होस्ट से एक्सटेंड हो रहा है, तो उसके पास अगेन वही स्विच टू HTTP का मेथड भी होगा, और वहाँ से हम लोग बेसिकली क्या निकालेंगे, रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट निकालेंगे, ठीक है। तो उसका सिंपल तरीका क्या है कि मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, फिलहाल लॉक डिलीट कर देते हैं, ठीक है, और हमारा जो डिजिटल मैसेज है वो बंद कर देते हैं, ठीक है। और इसके साथ मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहला काम करूँगा एक कॉन्स्ट बना लेंगे, ठीक है, और उसको मैं देता हूँ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, CTX कॉन्टेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। उसके बाद मैं कर दूँगा कि कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, और डॉट स्विच टू HTTP कर देंगे, ठीक है, जिस हमने उन पहले एक्सेप्शन में किया था। और फिर हम यहाँ से रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट निकाल लेंगे, ठीक है, हम कहूँगा मैं इसको CTX इस्तेमाल करूँगा जो मैंने बनाया था, और डॉट मैं कर दूँगा गेट
रिक्वेस्ट, ठीक है, और यहाँ से मेरे पास रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट दो, ठीक है, आर ई क्यू यू ई एस टी रिक्वेस्ट हो गया, ठीक है। अब ये रिक्वेस्ट कहाँ से इम्पोर्ट होगा, ऑब्वियसली बात है लास्ट टाइम लोगों ने इसको एक्सप्रेस इम्पोर्ट किया था, तो ये भी एक्सप्रेस इम्पोर्ट कर लेते हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट फ्रॉम एक्सप्रेस, ठीक है जी। अब आपको पता है कि जिस तरह हमारे पास रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट एक्सप्रेस में होता है, ये भी बिल्कुल सेम ऐसे ही काम करेगा, इसके अंदर सारी वो पेलोड्स वगैरह सारे हेडर्स वगैरह इसके अंदर आ रहे होंगे, ठीक है। अब लेट सपोज करें मैं कंडीशन लगा देता हूँ, ठीक है, कंडीशन में ये लगाता हूँ कि एक हमारे पास लेट सपोज करें कि इफ़ एक कोई हेडर है, ठीक है, उस हेडर के अंदर बेसिकली ये की आनी चाहिए, और उस हेडर का नाम क्या होना चाहिए, की होना चाहिए। अगर वो हेडर आएगा तो ही मैं आगे जाने दूंगा, वरना नहीं जाने दूंगा, ठीक है। तो मैं कंडीशन लगा सकता हूँ कि इफ़ रिक्वेस्ट डॉट हेडर, ठीक है, और हेडर के अंदर मैं नाम देता हूँ, लेट सपोज वो हेडर का नाम होगा की, ठीक है, इक्वल्स इक्वल्स, बल्कि पहले चेक कर लेते हैं कि वो अनडिफाइंड तो नहीं है, ठीक है, इज़ नॉट इक्वल्स टू, बल्कि कंडीशन लगा लेते हैं इक्वल्स इक्वल्स टू, अगर अनडिफाइंड है, ठीक है, अगर वो हेडर आ ही नहीं रहा तो हम सिंपल कर देते हैं कि रिटर्न कर दो फॉल्स, क्या है फॉल्स का मतलब क्या है कि भाई आपने आगे नहीं जाना, यहीं पर रुक जाओ, क्योंकि आपके पास वो हेडर नहीं है और उस हेडर के अंदर बेसिकली वो की नहीं है, ठीक है। पहली कंडीशन तो यहाँ पे आएगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा, आगे जाने ही नहीं देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट कंडीशन लगा लेते हैं, नेक्स्ट कंडीशन में लेट सपोज करें मैं अब हेडर चेक करवा लेते हैं, ठीक है, तो हम कर देंगे रिक्वेस्ट, बल्कि इफ़ ये कंडीशन लगाने से अच्छा कि हम डायरेक्टली रिटर्न करवा दें, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, उसको थोड़ा सा शॉर्ट करके ऊपर ले आता हूँ रिटर्न को, और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं कि रिटर्न रिक्वेस्ट डॉट हेडर, ठीक है, और हेडर क्या है मेरे पास की, और ये इक्वल इक्वल टू अगर हो दिस डॉट की के, ठीक है, दिस डॉट की का मतलब क्या है, ये वाली की, ठीक है। तो अगर ये जो हेडर आ रहा है जिसकी हेडर का नाम की है, उसकी जो वैल्यू बेसिकली इस की के बराबर हो तो उसे जाने दो, ठीक है। जाहिर सी बात है, अब ये कंडीशन जब मैच करके ट्रू हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ट्रू ट्रू रिटर्न कर देगा, अगर ये की मैच नहीं होगी तो ऑब्वियसली बात से क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो हमने बेसिकली एक क्राइटेरिया सेट कर लिया, जो कि बहुत ही बकवास क्राइटेरिया है, लेकिन समझाने के लिए मेरे ख्याल में ये मोर देन इनफ है, ठीक है। तो ये सिंपल एक सिनेरियो हमने क्रिएट किया जिसमें अगर हेडर आएगा इस की वैल्यू के साथ तो हम जाने देंगे, वरना हम नहीं जाने देंगे, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इसको सेव करवा लेते हैं और हमारे पास दोबारा खोल के टर्मिनल चेक कर लेते हैं कि वो एरर तो नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने गार्ड अपना इंप्लीमेंट किया हुआ है इस बुक कंट्रोलर के ऊपर, ठीक है, ये यूज़ गार्ड लगाया हुआ है, तो अब हम ज़रा रिक्वेस्ट क्विट करके देखते हैं, ठीक है। तो पहली कंडीशन में मैं कोई हेडर अटैच नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने सिंपल क्या किया, रिक्वेस्ट सेंड की, ठीक है। अब आप देख सकते हैं 403 फॉरबिडन रिसोर्स आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास वो हेडर मौजूद नहीं है, ठीक है। तो मैं हेडर्स के अंदर आ जाता हूँ और एक हेडर अटैच कर लेते हैं, ठीक है, और उस हेडर को मैं नाम दे देता हूँ की, ठीक है, और वैल्यू मैं फिलहाल में कुछ भी लिखता हूँ कि दिस, ठीक है, दिस इज़ द वैल्यू, ठीक है। अब भी मुझे आगे जाने नहीं देगा क्योंकि इसकी जो वैल्यू है ना वो वही वाली की होनी चाहिए जो हमने वहाँ बनाई थी, ठीक है, तो वो मैच नहीं करेगी, दोबारा सेंड कर लेता हूँ तो अगेन मुझे आगे नहीं जाने देगा, फॉरवर्ड नहीं दिखाएगा, ठीक है। लेकिन 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 कंडीशन इसमें बेसिकली क्या है कि अगर मैं यहाँ पर आकर इस की को कॉपी करता हूँ, ठीक है, कॉपी करते साथ ही मैं यहाँ पर लेके आता हूँ और यहाँ पर लेते साथ ही मैं इसकी जगह पर ये पेस्ट कर देता हूँ और अब मैं सेंड करता हूँ, अब आप देख सकते हैं कि रिक्वेस्ट ने मुझे क्या कहा कि दिस एपीआई विल रिटर्न ऑल द, उसका मतलब क्या है कि मुझे गार्ड ने क्या कहा, गार्ड ने कहा कि मेरे भाई हाँ भाई तुम्हारे पास हेडर मौजूद है जो, ठीक है, की के नाम का हेडर मौजूद है जिसकी वैल्यू वही वाली जो मेरे पास पड़ी हुई, इसलिए तुम आगे जा सकते हो, सिंपल एज दैट, ठीक है। अब इसको आप सिनेरियो को चेंज करके सिंपल अपना कुछ कस्टम और भी कर सकते हैं, लेट सपोज करेंगे यूज़र नेम कर देते हैं हम, ठीक है, और यहाँ पर लेट सपोज करें यूज़र नेम में मैं इसको नोट्स कर देता हूँ, ठीक है, चैनल का नाम डाल देते हैं और पासवर्ड में हम लेट सपोज करें फिलहाल कर देते हैं 1 2 3, ठीक है। अब मैंने कंडीशन किया, अब मैं दो हेडर पास कर रहा हूँ, एक यूज़र नेम का एक पासवर्ड का, और मैं कह रहा हूँ कि अगर इन दोनों में ये यूज़र नेम ये पासवर्ड, ठीक है, ये हेडर्स में मैं भेज रहा हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हेडर्स में भेजेंगे और वहाँ जो है ना गार्ड के अंदर हम बेसिकली कंडीशन लगाएंगे कि अगर ये यूज़र नेम पासवर्ड आ रहे हैं तो जाने दो, वरना जाने नहीं दो, ठीक है। तो अब मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, लेट सपोज करें कि मैं सिंपल इसको हटा कर एक यूज़र हॉट कोड कर देता हूँ, ठीक है, पब्लिक यूज़र नेम, ठीक है, ये स्ट्रिंग होगा और इसको बराबर कर दो फिलहाल नोट्स के, ठीक है, और इसी तरीके से पब्लिक पासवर्ड कर दो, ठीक है, और इसको कर दो स्ट्रिंग और ये लेट सपोज करो है 1 2 3 4, ठीक है, ठीक है, नोट्स 1 2 3 4। अभी यूज़र नेम और पासवर्ड आ गया, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले चेक करूँगा कि क्या ये हेडर मेरे पास आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ठीक है। तो दो कंडीशन है, इफ़ रिक्वेस्ट डॉट हेडर की जो यहाँ पर आ जाएगा यूज़र नेम, ठीक है, कि यूज़र नेम का हेडर अनडिफाइंड तो नहीं है, अगर अनडिफाइंड है तो फॉल्स रिटर्न कर दो। इसी तरीके से हमारे पास और में कंडीशन एक और ऐड कर देते हैं कि अगर पासवर्ड का हेडर भी नहीं आ रहा अनडिफाइंड है तो उसको भी क्या कर दो, फॉल्स रिटर्न कर दो, ठीक है। तो ये मेरे पास वो भी फॉल्स चला जाएगा, ठीक है, इसको नीचे ले आते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो पहली कंडीशन मेरे पास क्या है कि यूज़र नेम का हेडर अनडिफाइंड हो तो जो है मुझे फॉल्स रिटर्न कर दो, और दूसरा क्या है, अगर पासवर्ड का हेडर अनडिफाइंड हो तो भी मुझे क्या कर दो,
जो है ना फॉल्स रिटर्न कर दो, सिंपल रहता है। दोनों में से कोई भी एक हेडर गायब होगा तो आगे नहीं जाने देगा। अब क्या है, अब इसके नीचे जब हम आएंगे तो ऑब्वियसली बात है दोनों हेडर मेरे पास मौजूद होंगे। दोनों हेडर में कंडीशन लगा दूंगा। मैं कंडीशन क्या लगा दूंगा कि इफ रिक्वेस्ट डॉट हेडर, इसी को हम अपेंड कर लेते हैं डॉट कॉपी करके, यूजर नेम ठीक है बराबर है दिस डॉट यूजर नेम के, ठीक है एंड 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 का मतलब क्या है कि दोनों कंडीशन मीट होनी चाहिए, ठीक है। एंड एंड लगा के हम सिंपल इसको कॉपी कर लेंगे पूरे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और दोबारा यहाँ पेस्ट कर देंगे। इसको मैं नीचे ले आता हूँ थोड़ा सिंपल करने के लिए, ठीक है। और रिक्वेस्ट डॉट हेडर और हेडर में पासवर्ड जो है बेसिकली, ठीक है, वो बराबर होना चाहिए दिस डॉट पासवर्ड के, ठीक है, सिंपल एज दैट। अब क्या होगा, अब यूज़र नेम पासवर्ड में से कोई भी हेडर अगर गायब है तो आगे नहीं जाने देगा। अगर दोनों हेडर मौजूद हैं दोनों की वैल्यूज़ चेक करेगा कि वो वैल्यूज़ इन यूज़र नेम और पासवर्ड से मैच करनी चाहिए। अगर मैच करेगी तो आगे जाने देगा, वरना नहीं जाने देगा। सिंपल एज दैट। सेव कर लेते हैं और अपना टर्मिनल खोल कर चेक कर लेते हैं कोई एरर तो नहीं है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई एरर आया हुआ है, एप्लीकेशन सक्सेसफुली स्टार्ट हुई भी है। दोबारा चलते हैं पोस्टमैन की तरफ और मेरे पास नोट्स आ रहा है और 1 2 3 आ रहा है। और यहाँ पे अगर आप चेक करें तो मैंने 1 2 3 4 किया हुआ, इसका मतलब मैंने पासवर्ड गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो अब मुझे फॉरवर्डिंग का एरर थ्रो करना चाहिए, मैं सेंड करता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोबारा वही फॉरवर्डिंग का रिसोर्स जो है वही कह रहा है कि आप आगे नहीं जा सकते, फॉरवर्ड कर दिया इसने मुझे। 403 का स्टेटस कोड भी आ गया। और जैसे मैं इसको 1 2 3 4 करूँगा, ठीक है, 4 करूँगा, दोबारा सेंड करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि मुझे आगे जाने दे रहा है, ठीक है। तो हम गार्ड्स की मदद से आपने देखा कि इसको मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, सिंपली एक हम लोगों ने एप्लीकेशन बनाई है जिसके अंदर हम यूज़र नेम और पासवर्ड की बेस पे हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये चेकआउट कर रहे हैं कि क्या वो मेरी एप्लीकेशन में एंटर हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये सिंपल सा यूज़ केस सिनेरियो, ऐसा रियल वर्ल्ड में होता नहीं है क्योंकि हर रिक्वेस्ट के साथ हम लोग यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं भेज रहे होते हैं, हम इसके लिए JWT टोकन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये सिर्फ आपके आपको जो बेसिकली गार्ड्स का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बेसिकली ये सिनेरियो मैंने कैटर आउट किया, ठीक है। अब क्या किया हुआ है, अब एक सिर्फ एक सिंपल सी और आखिरी लास्ट पॉइंट रह चुका है, वो क्या है, सिंपली अगर आप कंट्रोल पे आए तो आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ ये जो गार्ड है वो बेसिकली सिर्फ फाइंड ऑल बुक्स के मेथड पे जो है ना वो इंप्लीमेंट किया हुआ है। तो अगर मैं पोस्ट पे ये चीज़ इंप्लीमेंट करूँ, अगर मैं पोस्ट की रिक्वेस्ट करूँ तो ये चीज़ काम नहीं करेगी क्योंकि मैंने सिर्फ कहाँ किया हुआ है, इस पर इंप्लीमेंट किया हुआ है, ठीक है। तो अब अगर आप सिंपल यहाँ पर आके पोस्ट की रिक्वेस्ट, बल्कि इसको सेम रहने देते हैं, हम लोग एक नई रिक्वेस्ट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। नई रिक्वेस्ट खुलते ही मैं इसको कर देता हूँ पोस्ट की URL हम ये वाली कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे फाइंड ऑल की जगह आ जाएगा ऐड, ठीक है। अब फिलहाल तो मैं कोई चीज़ ले नहीं रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको सेंड करूँगा, अब देख सकते हैं मैंने कोई हेडर अटैच नहीं किया हुआ, ठीक है, हेडर्स बिल्कुल खाली हैं, ठीक है। मैं इसको सिर्फ सेंड कर रहा हूँ, सेंड करते साथ ही मुझे क्या कर रहा है, सेपिया विल एड बुक, मतलब क्या है, वो मेरे जो गार्ड है वो बेसिकली इस मेथड के लिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि मैंने इसको कहाँ इंप्लीमेंट किया हुआ है, सिंपल इस मेथड के लिए इंप्लीमेंट किया हुआ है, ठीक है, इस राउट के लिए किया हुआ है। अगर मुझे इसको बेसिकली दोनों मेथड्स के लिए इंप्लीमेंट करना, तो इसका एक तरीका क्या है, बेसिकली आप इसको यहाँ से हटा कर, ठीक है, आप इसको कंट्रोल लेवल पर लेकर चले जाएँ, ठीक है, यहाँ पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये बेसिकली पूरे कंट्रोलर के लिए गार्ड काम करेगा, कंट्रोलर में जितने भी मेथड्स होंगे उसके लिए ये गार्ड काम कर रहा होगा, ठीक है। तो एक दफ़ा देख लेते हैं कोई हमारे पास कोई एरर तो नहीं आ रहा, ठीक है, कोई एरर नहीं आ रहा, फिर कभी स्टार्ट होगी। अब जब दोबारा मैं इसको हिट करूँगा, इस API को दोबारा हिट करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि मुझे फॉरवर्ड का रिसोर्स थ्रो कर देगा, इसका मतलब क्या, अब उस मेथड के लिए भी एप्लीकेबल हो गया, ठीक है। तो अगर यहाँ पर भी मैं दोबारा यूज़र नेम पासवर्ड लगाऊंगा तो ये परफेक्टली काम करेगा, ठीक है। तो यही हेडर कॉपी कर लेते हैं, यूज़र नेम आ गया, ठीक है, इसको नोट कर देते हैं नोट्स, और इसी तरीके से पासवर्ड था मेरे पास 1 2 3 4, सेंड करेंगे, अब देखें मुझे वो जाने दे रहा है, ठीक है। तो आप इसको बेसिकली जो गार्ड की एनोटेशन है ना यूज़ गार्ड्स की, इसको आप कंट्रोल लेवल भी डिफाइन कर सकते हैं और मेथड लेवल भी डिफाइन कर सकते हैं। अब इस गार्ड्स की एनोटेशन का अगर आप इसको कंट्रोल दबा के दोबारा क्लिक करें ना, तो आपको ये एक और चीज़ देगा, ठीक है, अगर कंट्रोल दबा क्लिक करें तो इसने ये चीज़ भी की हुई कि गार्ड्स कैन ऑल्सो भी सेटअप ग्लोबली फॉर ऑल कंट्रोलर्स अराउंड, के आप मतलब थ्रू आउट द एप्लीकेशन, पूरे एप्लीकेशन में जितने भी कंट्रोलर्स हैं, जितने भी कंट्रोलर्स के अंदर मेथड्स हैं, उन सब पर इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो भी कर सकते हैं आप विद द हेल्प ऑफ ऐप डॉट यूज़ ग्लोबल गार्ड्स, ठीक है। तो अब इसका सिंपल तरीका क्या है कि आपको सिंपल अपने मेन मॉड्यूल में, जो मेन आपका रूट मॉड्यूल है उसके अंदर आपको आना है, ठीक है, और चेक करना है कि ये रूट मॉड्यूल बेसिकली आपको कहाँ इंटीग्रेट हो रहा है, ये कहाँ इंटीग्रेट हो रहा है, अब इसी बात है इस मेन डॉट टी एस में इंटीग्रेट हो रहा है, जो हमारे एप्लीकेशन का क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। इस स्टार्टिंग पॉइंट पे आकर आपको सिंपल, इसको मैं अगर जूम इन कर लूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पर आते ही आपको क्या करना है, यहाँ पर करना है ऐप डॉट यूज़, ठीक है, और ये ग्लोबल गार्ड्स का मेथड इंप्लीमेंट करना, और इसमें हम पास कर देंगे हमारा जो था न्यू बुक गार्ड, ठीक है जी, और इसे हम इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं इसको सेव करके ये रिस्टार्ट हो रहा है, ठीक है, अब आप देख सकते हैं एरर मेरे पास कोई भी नहीं आया, ठीक है, एरर कोई नहीं आया। तो इसको हम एक काम करते हैं, क्योंकि बुक कार्ड मैंने अब जो है ना ग्लोबली इंप्लीमेंट कर लिया अपनी एप्लीकेशन पे, तो मैं कंट्रोलर से जाकर इसको यहाँ से हटा दूंगा, ठीक है। हटाते साथ ही मैं इसको दोबारा सेव कर लेता हूँ, सेव करते साथ ही एप्लीकेशन दोबारा रीस्टार्ट हो रही है। अब मैंने गार्ड क्या है बेसिकली मॉड्यूल से निकाल दिया और उसको मैं ग्लोबली पूरी एप्लीकेशन पे इंप्लीमेंट करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने जाकर उसको मैन डॉट टी एस पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हम इसको दोबारा हिट करके देखते हैं, क्योंकि अब किसी भी राउट पे जो है ना वो गार्ड काम कर रहा होगा, तो मैं इसको हिट करके देखता हूँ क्या ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो मैं सेंड करता हूँ,
ठीक है। अब इसका मतलब क्या, दिस एपीआई विल ऐड बुक, ठीक है, सही तरीके से काम कर रहा है। मैं पासवर्ड कुछ गलत दे देता हूँ, सेंड करते हैं दोबारा, ठीक है। अब फॉरवर्डन का रिसोर्स जो है वो प्रॉपर जो है ना वो मुझे बेहतरीन तरीके से बता रहा है कि ये रिसोर्स फॉरवर्डन क्योंकि मैंने पासवर्ड गलत दिया, ठीक है। इसका मतलब सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये अप्रोच बिल्कुल परफेक्टली काम कर रही है, ठीक है। और ये सारे स्नैरियोज हम लोगों ने बेसिकली इसके अंदर कैटर आउट कर लिए, ठीक है। तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन गार्ड का। अगर आप दोबारा डॉक्यूमेंटेशन पाएँ तो आपको बेसिकली काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी जो आप इसको रीड आउट करना चाहिए। जैसे हमने एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है ये हमने कवर किया था, जिसके अंदर से हम लोगों ने बेसिकली वो निकाले थे, पेलोड्स निकाले थे, हेडर्स निकाले थे, ठीक है। वो बेसिकली एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है जो बेसिकली एक फर्दर आर्ग्यूमेंट होस्ट के साथ एक्सटेंड हो रहा था, ठीक है। तो ये सारी कहानी इसको आपको बेसिकली इसके अंदर मिल जाएगी। इससे डॉक्यूमेंटेशन तो मैं आपको जो है ना सजेस्ट करूँगा कि आप जाएँ इसको और एक दफ़ा थॉरली इसको डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ें, ठीक है। तो ये था सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन के गार्ड्स किस तरीके से काम करते हैं नेस्टजेएस के अंदर, ठीक है। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।